समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर। समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये स्पर गियर है और आप इसकी वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये है पुली, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है सेपरेट, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो गियर के ऊपर बनाई थी, तो काफ़ी लोग कमेंट है सर हम पर दूसरे टाइप के गियर नहीं बने। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वाला जो आप गियर देख रहे हो वीडियो में, और फ्रेंड्स ये रैक, ये दोनों मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, लास्ट देखिए और आपके अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ये पीवीसी पाइप है जो कि आप जानते हो कि जो बिजली फिटिंग में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर शॉप पर मिल जाएगा। इसे मैंने कट करके फ्रेंड्स गैस पर हीट करके फ्लैट कर लिया है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट हो गया, कट करके आसानी से हीट हो जाता है और आसानी से फ्लैट हो जाता है। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हो, आप उसे भी इस तरीके से कर सकते हो, उसे यूज़ ले सकते हो। फिलहाल मैंने इसकी रेडियस 10 mm ले लिया है, जो कि डायमीटर बैठेगा इसका 20 mm। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको एक कटर चाहिएगा, और कटर या आप सीज़र कैंची भी ले सकते हो, उससे इजीली कट जाएगा। तो आपने काट लिया है और ये आपको एक अलग से पीस लिया है। इस पीस को हम थोड़ा सा राउंड में घुमा लिया है, जिससे कि हम इसके बिल्कुल सर्कल यानी कि इसके बना सकें एक सर्कल टाइप। तो आप देख रहे हो इस तरह लगा, जो एक्स्ट्रा पीस है हमने उसे कट कर लिया है इस तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा पीस हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स, मैंने छोटा पीस इसलिए लिया है कि जिससे कि आपके हाथ में ना लगे। आप इस तरह देख पा रहे हो, मैंने इसे जो एक प्लायर होता है नोक वाला, उससे मैंने इस टाइप से राउंड में कर लिया है। अब दोस्तों, अगर आप इसके टीथ निकालोगे तो टीथ वो आपके हाथ में लग सकता है। जो आप ब्लेड से काटोगे या सीज़र से काटोगे तो आपका हाथ में लग सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पीस ले लिया है। अब बड़ा पीस जो मैंने ये लिया है दूसरा, इस पर मैं मार्किंग कर लूँगा जितने मुझे इसको कट करना है, क्योंकि होल्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स जब आप इसके टीथ कट करोगे। तो उसके लिए मैंने एक अलग से बड़ा पीस ले लिया है और लगभग 1 mm में मैंने मार्किंग कर ली। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, 1 mm में जो स्केल होता है, अब मैं इस तरीके से इस पर मार्किंग कर लूँगा, क्योंकि अब आपको जितने लंबे तीर्थ करने हैं उस हिसाब से ये आपको मार्क कर लेना है। मैंने थोड़े लंबे तीर्थ लेने हैं तो इस हिसाब से मैंने मार्किंग कर ली है। अब क्योंकि मैं इसके तीर्थ यानी कि इसके दांत जो वो निकालूंगा, तो उसके लिए मैंने अलग से इस तरह मार्किंग कर लिया। आप देख रहे हो वीडियो में, आप चाहे तो फ्रेंड्स ब्लेड से कट कर सकते हो या आप सीज़र से कट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रेंड, आप सीज़र यानी कैंची से कट करिए दांत, क्योंकि ये आपके सेफ है, आपका हाथ नहीं कटेगा, वरना आपका हाथ में काफ़ी लग जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लेड काफ़ी डेंजर होता है और शार्प भी होता है। तो इस तरह देखिए काफ़ी इजीली निकल जाता है, जो ये पीवीसी पाइप बहुत आराम से कट जाए, और जो जितने भी तीत हैं वो इक्वल हैं सारे। तो अब मुझे ये कट कर लेना है इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाला था। अब इसमें से तीत आपको आसानी से कट जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बड़ा पार्ट आपने लिया था इसलिए। अब आप समझ गए कि मैंने ये बड़ा पीस क्यों लिया। तो बड़ा पीस का मेरा यही रीज़न था कि आपके हाथ में ना लगे, सेफ्टी पहले है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो सेफ्टी पहले लेकर चलता है। तो इस तरह से मैंने इसकी बिल्कुल यहाँ पर राउंड शेप में इसे लगा दिया है, और फेवरिक से आप आराम से चिपका सकते हो। यहाँ आपका गियर बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, कोई खास बात तो नहीं थी इसमें, आप आराम से कर लोगे, बस एक आईडी की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो इसका एक एक टीथ है वो बिल्कुल इक्वल है। और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट उसमें कमेंट करके बताइए आपको ये गियर कैसा लगा। आप देखो इस तरीके से, आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा तो और अच्छे से बना सकते हो। ये इसका जॉइंट है, जो कि जॉइंट बिल्कुल लग नहीं रहा है, तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लगभग दोस्तों, अब आपको इसमें मिड में बिल्कुल एक होल करना है छोटा सा, जो कि मोटर से आप शाफ्ट उसको कनेक्ट करोगे। तो जब प्रकार तो डिवाइड हो, तो उस तरीके से मैंने इसे राउंड में घुमाकर आसानी से होल कर दिया। अब मैं आप इसको रन करके दिखाऊंगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा बिल्कुल इक्वल बनाया गया है। तो कोई टेंशन नहीं फ्रेंड्स, आप घर पर आसानी से बनाइए, और जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझसे कमेंट से कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी रैक पर, जो मैंने आपको दिखाई थी फ्रेंड्स। इसकी थिकनेस काफ़ी मोटी होती है, तो यहाँ मैं पीवीसी पाइप के दो टुकड़े जॉइंट कर लूँ आपस से फेवरिक में, और जॉइंट करने के बाद मैं इसे सैंड पेपर लेकर इसकी सर्फेस बिल्कुल इक्वल कर लूँगा। तो इस तरह देख पा रहे हो, मैंने बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाले गियर में मार्किंग की थी 1 mm पर, सेम आपको इस पर भी 1 mm की ही मार्किंग कर लेनी है। और जितने लंबे आपको तीत चाहिए उसके हिसाब से आपको इस तरह की मार्किंग कर लेनी है, और फिलहाल जैसे मैंने पहले की थी ऐसे इस तरह आपको कर लेनी है। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी जो गियर के ऊपर और पुली के ऊपर थी, तो फ्रेंड्स उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप तीनों वीडियो देख लोगे गियर के ऊपर और पुली के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली 100% अपने घर पर बना सकते हो, वो भी इजीली, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखकर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप इसे 100% वर्क में भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है एक्सपेरिमेंट की वीडियो पर, तो आप मेरा सेकंड चैनल, इसका नाम है सैम एक्सपेरिमेंट, विजिट कर सकते हो। उस पर आपको एक्सपेरिमेंट की वीडियो मिलती रहेंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ उसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, उसकी फीडबैक काफ़ी वैल्यू होती है। तो मिलते हैं जितने नेक्स्ट, तब तक आप जुड़े सैम एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू सो मच मुझे तरह वक्त देने के लिए।